बिहार का पहला वेडिंग मिल्क मशीन अब आपके शहर हाजीपुर में। फार्म फ्रेश मिल्क अ यूनिट ऑफ इसके डेयरी फार्म, 100% शुद्ध गाय का दूध, कोई मिलावट नहीं। सेल्फ मिल्क टेस्टिंग मशीन से खुद शुद्धता का जांच करें। सबसे कम कीमत में एनी टाइम शुद्ध गाय का दूध उपलब्ध। फार्म फ्रेश मिल्क पसमान चौक हाजीपुर में, जल्दी आपके नजदीकी स्थानों पर भी उपलब्ध। संपर्क करें 7903455990 और 9576280148। बिहार फर्स्ट मिल्क वेंडिंग मशीन नाउ इन हाजीपुर। इफ नॉट सेटिस्फाइड मनी विल बी रिफंडेड। 100% प्योर ऑर्गेनिक मिल्क, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, नो वाटर एडेड, 100% गारंटेड, नो केमिकल एंड मिल्क पाउडर इज यूज्ड। सेल्फ मिल्क टेस्टिंग मशीन इज अवेलेबल। कॉन्टेक्ट नंबर 7903455990, 9576280148। एड्रेस फार्म फ्रेश मिल्क, राजपूत कॉलोनी, नेक्स्ट टू ब्रह्म ज्योति हॉस्पिटल हाजीपुर, अ यूनिट ऑफ एसके डेयरी फार्म। सस्ते और आसानी से दूध मिले इसके लिए एसके डेयरी ने एक अनूठा प्रयोग किया है। दरअसल एसके डेयरी ने हाजीपुर के विभिन्न स्थानों पर बिहार का पहला मिल्क वेडिंग मशीन स्थापित करने जा रही है। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें आप आसानी से पैसा डालकर मन मुताबिक दूध पा सकते हैं। अभी इसमें 50 रुपए डालने पर 1 लीटर दूध मिल जाता है। खास बात तो यह है कि अगर दूध में किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो आपका पैसा वापस हो जाता है। इस नई तकनीक से लोग अधिक लाभान्वित होंगे। आज हाजीपुर पासवान चौक के पास इस वेडिंग मिल्क मशीन की शुरुआत भी हो गई। इसका उद्घाटन हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह और लालगंज विधायक संजय सिंह के हाथों किया गया। इस मौके पर एसके डेयरी के निदेशक एसके सिंह का कहना है कि अगर इस मशीन में कोई नकली पैसा डालने की कोशिश करता है तो उसे मशीन ऑब्जर्व कर लेगा। इस मशीन में विशुद्ध गाय का दूध है जो कि हमारे फार्म हाउस से सीधे मशीन में रखा जाता है। 1 लीटर दूध की कीमत अभी 50 रुपए रखी गई है। उन्होंने बताया कि इस दूध में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज का मिलावट नहीं है। अगर फिर भी इसकी शिकायत कोई ग्राहक करता है तो उसे बतौर 2 लाख तक का इनाम दिया जा सकता है। दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए इस मशीन के पास एक अलग मशीन भी लगाया गया है ताकि ग्राहक दूध की सही जाँच खुद ही कर सकते हैं। एसके सिंह ने यह भी बताया कि अभी शुरुआत हाजीपुर शहर के पासवान चौक से हुई है, लेकिन जल्द ही आपको हाजीपुर शहर के आर्यन कॉलेज, दिग्घी और नखास चौक पर भी मशीन को लगाया जाएगा। पहले बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल चीफ जनरल सर। ये जो डेयरी है एसके डेयरी करके ऑर्गेनिक फीड बनाते हैं और जो हमारा दूध भी निकलेगा वो भी आपको ऑर्गेनिक ही निकलेगा। हमारे यहाँ एलोपैथी इलाज नहीं चलती गाय का, पहले हम डीप में आपको जाते हैं, इंग्लिश जो सुई इंजेक्शन ये सब नहीं पड़ता, टोटल आयुर्वेद दवा हमारे यहाँ चलता है। और बिहार का एक लौता फॉर्म है जो मोस्टैटिक एकदम फ्री है, यानी थनैला से एकदम फ्री है। थनैला हमारे यहाँ आता ही नहीं, अगर आता है तो 24 घंटा के अंदर उसको रिकवरी कराते हैं, वो भी आयुर्वेद मेडिसिन से। ये महाराष्ट्र से एक संस्था से हम जुड़े हैं, हम वहाँ से मेडिसिन मंगाते हैं बल्क। अब दूसरी बात, जो ये गौपालन है इसके डेयरी, यहाँ पर 90% गाय सहीवाल और गिलोन और गिर, ये 3 नस्ल की गाय हमारे पास में ज़्यादातर गाय है। और जो सहीवाल है वो रेड सहीवाल के साथ साथ ब्लैक सहीवाल भी है, वो जो लकली मिलता है, बहुत लकली मिलता है, तो इसकी संख्या ज़्यादा है। अब रही बात हम दूध पर आते हैं, दूध जो है A2 मिल्क दूध है ये, और इस फैट, इसमें फैट जो है हरदम 5 के आसपास में रहेगा। जब कभी बहुत रेयर केस में ज़्यादा हरा चना का उपयोग करेंगे तो 4.5 नहीं टूटेगा, यानी 5 से हरदम ऊपर ही रहेगा। और इसमें किसी कारण से आपको 5 चीज़ इसमें मिक्सिंग अगर पाया गया, नंबर 1 पाउडर दूध अगर हमने यूज किया, कास्टिक सोडा यूज़ किया जो दूध को नहीं फटने देता है, पानी यूज किया और पानी 0% यूज, अगर आप कहूँ साबित कर देते हैं, यहाँ पर हमारा एनालाइजर स्कैनर लगा हुआ है, तो आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 100% ऑर्गेनिक मिल्क ही आपको, कोई मिलावट नहीं। और 1 तारीख से आपके पास पनीर खोआ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पनीर एक चीज और है सर, कि हाजीपुर से ही आपने शुरुआत किया है और करीब 4 जगहों पे काउंटर खोलने की आपने बात कही है। शुरुआत तो पासवान चौक से हो रहा है, राजपूत कॉलोनी से, और कहाँ कहाँ खोलने वाले हैं? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मिल्क ATM है ये पब्लिक सेवा है। 50 रुपये मिल्क बेचना, सुधा का मिल्क 66 रुपये बेचना, दोनों की दूरी 16 रुपया की दूरी है, लेकिन ये उत्तम दूध है जो हमारे पास, जो गाय का, जो शैवाल का गाय का दूध है वो उत्तम दूध है।
उसका रेट 75 रुपया से नीचे कहूँ नहीं बिकता है ए टू मिल्क। फिर भी हमने एक सोशल वर्क किया है कि हाजीपुर को कम से कम अच्छा दूध दिया जाए। पहला तो आप देख रहे हैं कॉलोनी की संख्या ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसी हिसाब से 4,500 यहाँ पर संख्या है जो वोटर आईडी के हिसाब से है। शायद ये 28 नंबर के 29 नंबर वार्ड में आता है, तो वो 4,500 संख्या है और बाहर से आदमी किराया के मकान में बहुत रह रहे हैं, लगभग 10,000 से ऊपर आदमी रह रहे हैं। तो यहाँ पर 10,000 लीटर तो दूध चाहिए लेकिन उतना दूध है नहीं। दूसरा आर्यन कॉलेज के पास खुल रहा है, तीसरा रेलवे कॉलोनी नकाच चौक और चौथा ब्लॉक पर। उसके अतिरिक्त वैशाली के अतिरिक्त में दूसरे जिलों में भी खोलने का प्लान है? देखिए हमारे एक मित्र हैं, वो संधी भी हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है, संधी प्लस मित्र है हमारी। एक उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लालगंज जो कॉलोनी है आप वहां पर एक मशीन जल्द से जल्द बैठाएं। हम उनके साथ हमारी अभी आपके साथ फोन पे बात भी किए हैं आपके न्यूज चैनल पर, हम जल्द से जल्द उनको लालगंज में एक ओपन कराएंगे। अच्छा, ये जो ATM मिल्क पार्लर है तो जहाँ जहाँ आपने काउंटर आप खोलेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ पे लोग आपके स्टाफ भी रहेंगे या फिर ऑटोमेटिकली वो पैसा रखेगा और दूध निकल जाएगा? नहीं, दो सिस्टम है, यहाँ भी आपका एक ही देखे हैं, दूसरा स्टॉल अनस्टॉल है। अच्छा, वो दो सिस्टम है, एक तो आप ओपन ले सकते हैं पैसे के तौर पे, ये पैसा दीजिए आप ले लीजिए, और दूसरा क्या है कि 11 बजे के बाद वो आदमी नहीं रहे तो दूसरा सिस्टम है कि आप 50 का नोट डालिए, 1 लीटर दूध आपका पैकिंग होके नीचे निकल जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर पैसा के बदला बाय द वे कोई कागज रख देता है तो क्या करें? वो इसमें आपका चिप लगा हुआ है, चिप लगा हुआ है जो सेंसर है, सेंसर उस नोट को ही ऑब्जर्व करता है। अच्छा, तो सेंसर ही काम करेगा, नोट काम नहीं करेगा। बिल्कुल, चलिए, क्या नाम है सर? मिस्टर एसके सिंह, धन्यवाद। बिल्कुल एकदम शुद्ध और नया एकदम जो चीज़ चाहिए शहर को वो चीज़ उपलब्ध नीचे साहब ने कराए हैं। हाँ, चूँकि ये डायरेक्ट फॉर्म से अपना दूध प्रोडक्ट होगी और यहाँ आपको उपलब्ध होगी, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है ना पाउडर होगा, यहाँ डायरेक्ट शुद्ध दूध की उपलब्ध होगी और शहर के लोगों को शुद्ध दूध खाने को मिलेगा और कम कीमत में और अच्छी चीज़ मिल जाए। अगर खाने का व्यवस्था तो इससे अच्छा कुछ तो है का, बहुत ही अच्छा संस्था है और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनका अपना मतलब गाय है, गिर गाय है और ये क्या कहते हैं साहिवाल गाय है, 70 गाय इनके पास में है, उसी का दूध जो है यहाँ पे बिक्री के लिए आएगा और ये शुद्ध दूध मिलेगा जनता को। सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध दूध मिलेगा और इसमें 1% पानी का मिलावट नहीं रहेगा, और ये बोले भी हैं कि अगर दूध में अगर थोड़ा भी पानी का मिलावट मिलेगा तो हम 2,00,000 रुपया जुर्माना देंगे। हाजीपुर के लिए 1 नंबर उपलब्धि, जो दूध इसके ट्रेडर्स स्तर के जो खुला है वो हाजीपुर के लिए एक मिसाल होगा और धीरे धीरे पूरे बिहार में इसका नेटवर्क फैलेगा। इसमें शुद्धता की फुल गारंटी है और शुद्ध दूध अभी कहीं नहीं मिल रहा है। मैं हाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हूँ। हमारे समझ से बिहार में एक पहला ATM है और पहला मालिक है पप्पू जी, जो चैलेंज करके दूध बेच रहे हैं। एक बूंद भी अगर पानी कोई साबित कर देता है तो हम 2,00,000 रुपया फ्री में देंगे। अभी जो स्थिति है, चाहे राज डेयरी हो, सुधा डेयरी हो, किसी का अमूल हो, 100% दूध कोई नहीं दे पाता, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है पूरे शहरवासियों के लिए कि आज हाजीपुर शहर के राजपूत कॉलोनी में जो हमारे पप्पू जी हैं मलिक से रिटायर भी हुए हैं, उन्होंने 70 गाय का एक तत्काल डेयरी खोला है और शुद्ध गाय मुहैया करा रहे हैं सामाजिक कार्य के तहत।